तो मैं भी क्या कर रही हूँ बताए नीचे कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। चैनल और आज है मंडे, अभी टाइम हुआ है रात के 8 बजे और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉगिंग। एक्चुअली मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, आज मैंने उटी वाला मेरा जो वीडियो है उसको पोस्ट किया था। एक्चुअली कल रात को ना कृति को बहुत ज़्यादा एयर पेन था, तो इसके लिए पेन होने के कारण वो रात भर सोई नहीं, मतलब 11:30 से मतलब सुबह 5 बजे तक वो कंटिन्यूसली रो रही थी, उसको बहुत ज़्यादा पेन था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, आयरन जो होता है ना उसको गर्म करके थोड़ा सा सॉल्ट एक कपड़े के अंदर डाल के वहाँ पे मतलब थोड़ा सा हिट देने की कोशिश कर रही थी, तो जब भी वो दे रही थी तब उसको आराम मिल रहा था लेकिन वो परमानेंटली नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में फिर से उसको पेन स्टार्ट हो रहा था, तो बोले मम्मा बहुत पेन हो रहा है। इवन कभी मैं कभी अतनु ऐसे करके हम लोग सेक कर रहे थे, है ना अतनु? बहुत हालत खराब था कल, पूरा रात भर वो सोई नहीं, सिर्फ रो रही थी और जितने भी वो 5 मिनट के लिए सो रही थी फिर पेन के कारण फिर उठ के फिर से रोना चालू, तो वो रात भर यही चलता रहा हम लोग का। हाँ, ना इसने सोया ना मैंने सोया ना कृति ने खुद सोया, और सुबह 5 बजे जाकर हम लोग सोए 5 बजे। तो अभी वो ठीक है और वो तो 12 बजे उठी। हाँ, है ना, 12 बजे उठी वो, 12 बजे उठी। हम लोग तो सुबह उठ गए थे क्योंकि मेरी क्या बोल रही है, पापा अब दर्द नहीं है। हाँ, अभी मुझे पेन नहीं हो रहा है, और उसको लग रहा था कि मैं स्कूल भी जाने वाली हूँ, लेकिन जब उसको पता चला कि अभी आफ्टरनून सो के उठी है, हाँ आफ्टरनून हो गया है, तब बोले ठीक है कोई बात नहीं मैं कल चली जाऊंगी स्कूल। और रात को भी क्या बोल रहा था, बोल रही थी कि अरे मैं स्कूल नहीं आऊंगी कल, मेरा वोकअप चेक कल उसको वोकअप चेक करना है, मतलब इंग्लिश का वो रहता है कुछ स्पेलिंग टेस्ट, वोकैबुलरी टेस्ट रहता है। और वो रही कृति, हेलो हाय कैसे हो अभी आप? ठीक हूँ ठीक हूँ, अभी थोड़ा बिजी है ना? हाँ। You don't have any ear pen now? No. Tell everybody. I don't have any ear pen. हाँ, स्कूल जाने की तैयारी चल रही है, कल देखते हैं कैसे मतलब कैसा रहती है वो, कैसी रहती है वो, तो हाँ डिपेंड करता है। और मेरा घर का हालत आप अभी देख सकते हो, बेड के ऊपर पूरा कपड़ा बिखरा हुआ है, और यहाँ पे भी देखिए, इधर भी नीचे भी, क्योंकि कपड़े का ना ढेर था, ढेर, तो उस ढेर को मैंने अभी फोल्ड किया और अभी अभी मतलब सब चीज़ों को अपने अपने जगह पे रखना है। काफ़ी दिनों से, 3-4 दिन से था मतलब फोल्ड मैंने नहीं किया था, और होता है ना जम जाता है तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो हो सके तो डेली बेसिस में कर लो तो अच्छा है, लेकिन मेरा 3-4 दिनों से वो काम रह गया था। मैं एक्चुअली सोच रही थी आज सुबह करूँगी लेकिन नहीं हुआ, तो वही मैं बैठ के कर रही थी, अतनु कृति को पढ़ा रहा था। हो गया ना उसका? हाँ। तो कृति इज रेडी फॉर टुमारो? यस। ओके, तो चलिए मैं सारे कपड़े जो है उसको रख दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, है ना? और
Hey guys, welcome back to the channel. तो आज है ट्यूसडे. अभी ट्यूसडे मॉर्निंग सुबह सुबह मेरी मेड काम करके चली गई है. मैंने नहा लिया है, पूजा भी हो गया है. तो हैप्पी ट्यूसडे. और सुबह पूजा करने के बाद जो दिन का शुरुआत होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है. और थोड़ा सा बेड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी बेड कुछ साफ किया नहीं है मैंने. तो अभी अतनु ऑफिस जाएगा तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन ले रही थी क्योंकि अतनु भी चला गया है नहाने के लिए. और उसके बाद अतनु ऑफिस जाएगा, फिर मैं जो थोड़ा बहुत घर साफ सफाई का काम है वो करूँगी क्योंकि मेरे मेड सुबह सुबह आ जाते हैं ना. रात को जितना मैं करके रख पाती हूँ उतना ही होता है. बाकी कुछ सुबह उठ के पॉसिबल आजकल तो नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है. ठंड के कारण उठने में भी थोड़ा लेट हो रहे हैं हम लोग. तो मतलब घर में तो अलार्म रहता है कृति को स्कूल भेजने के लिए. तो कल कृति स्कूल नहीं गई थी, आज वो गई है सुबह. मैम उसने बोला कि मम्मा मैं ठीक हूँ, तो वो गई है स्कूल. अतनु अभी ऑफिस गया है, उसके बाद जो जितना भी घर का काम है वो मैं करूंगी, उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी. कृति ने अपनी डॉल को क्या सजाया है. ये क्लिप उसकी जेमा ने उसको दिया था. ये यहाँ पे उसको खुद से ज़्यादा अपनी डॉल को सजाने में ज़्यादा मज़ा आता है. तो बेड तो मैंने ठीक ठाक कर दिया. एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कल कृति अपने रूम में नहीं सोई थी, वो हम लोगों के साथ सोई थी. लेकिन आजकल वेदर की वजह से बेड में अगर कोई आ रहा है ना, तो बेड का हालत एकदम से बिगड़ रहा है क्योंकि सिर्फ बेड में तो बैठना नहीं, उसके साथ जो कंफर्ट होता है उसको भी ओढ़ के बैठ रहे हैं हम लोग. हम सभी कर रहे हैं, बिगाड़ तो हम सभी रहे हैं. तो इसीलिए बेड का हालत बहुत खराब था, तो वही मैं सेट कर रही थी. तो ये रूम तो क्लीन हो गया है, ये पूरा जितना भी कपड़े वपड़े था वो मैंने क्लीन कर दिया है. अभी तो फिलहाल चलते हैं. और हॉल भी मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि ये सब ना नॉर्मल जैसे डे होता है, तो तब मैं रात को ही करके रखती हूँ, तो सुबह इतना झंझट नहीं लगता है मुझे. झंझट मतलब टाइम नहीं देना पड़ता है. तो लेकिन अभी क्या करें, दिन के हिसाब से चलना पड़ता है. वही मैं बोलती हूँ कि आप जो भी काम करो ना, अपने टाइम के हिसाब से करो, देखना कि ये सब काम हो जाएगा और आपको इतना ज़्यादा झंझट भी नहीं लगेगा.
ये हॉल में ना हमारा लाइटिंग थोड़ा कम है, वैसे भी आज सन तो है नहीं तो इसके लिए और भी ज्यादा कम लग रहा है। तो चलिए, घर क्लीन तो मेरा हो गया है, घर का जितना भी काम था वो मैंने कर लिया है और अभी मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूँगी जो मुझे अपने आप लोगों तक पहुँचाने के लिए करना पड़ता है, एडिटिंग का काम वो मैं अभी थोड़ा बहुत करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप सबको तो पता है कि मैं जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उसी दिन शेयर करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके रखती हूँ। जैसे रात को मैंने थोड़ा बहुत करके रखा था, अभी मैं जितना भी सुबह से मैंने थोड़ा बहुत शूट किया उसको भी मैं एडिटिंग करके रखूँगी, तो थोड़ा ईजी होता है मेरे लिए, तो इस तरह से मैं पोस्ट कर पाती हूँ। और कृति आ जाने के बाद तो मैं उसके साथ बिजी हो जाती हूँ, तो उस टाइम में मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा अपना काम कर लेती हूँ, है ना। और अभी मैं उठ के आई हूँ गर्म पानी के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं गर्म पानी पी रही हूँ, सबको पिला रही हूँ, मतलब अतन तो मुझे पिला ही रहा है और मैं भी बना रही हूँ कृति के लिए। और क्या कर रही हूँ, ये जब इसमें मैं बना के रख दूंगी, और ये मैं ये चश्मा पहन के ना मैं ड्राइविंग करती हूँ, मैं काम करती हूँ, तो इस टाइम में मैं ये वाला चश्मा पहनती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मुझे मतलब कंफर्टेबल लगता है। पतला वाला जो फ्रेम का है ना वो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, मतलब उसको देखने के लिए मुझे ऐसे करके देखना पड़ता है, लेकिन मैं इससे ग्लास जो है बड़ा है तो मैं आराम से इसको कंफर्टेबली देख सकती हूँ। तो ये चश्मा मेरे लिए मतलब काम करने के टाइम तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये फ्रेम मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी बहुत फेवरेट फ्रेम है, लेकिन कभी कभी ना साड़ी के साथ अच्छा नहीं लगता ये वाला फ्रेम, तो इसके लिए मैंने वो रेड वाला फ्रेम मैं पहनती हूँ जब मैं थोड़ा सा हेवी मेकअप करती हूँ, सजती हूँ उस टाइम में। तो चलिए अभी बना लेते हैं कुछ, क्योंकि अभी 1 o'clock टाइम हो चुका है, अभी मैं अगर नहीं स्टार्ट करूंगी तो लेट हो जाएगा, और एक्चुअली मैं चाहती भी हूँ कि थोड़ा गर्म रहे खाना, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह नहीं बनाती हूँ, थोड़ा लेट से ही बना रही हूँ आजकल। और आज मैं राइस नहीं देने वाली हूँ कृति को, और मैं भी नहीं लेने वाली हूँ, तो हम लोग बनाएंगे पराठा, और लंच में आज पराठा बनेगा और आलू का पराठा बनेगा, नॉर्मल सा आलू का पराठा, और थोड़ा मैं ऑनियन भी डालूंगी। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए दे दिया था पहले ही, तो शायद अभी तक बॉईल हो चुका है, 2-3 सीटी डाल के मैंने इसको बंद कर दिया है। अभी बना लेते हैं क्योंकि भूख लग गई है बहुत जोर, और ठंड में ना भूख ज्यादा लगता है, मैं देख रही हूँ, मतलब नोटिस कर रही हूँ कि भूख ज्यादा लग रहा है। मैं बैठी थी काम कर रही थी ना, मुझे भूख भूख सा लग रहा था, मतलब कुछ खाने का, तो मैं एक चीज खा रही थी, ये मैं खा रही थी, ये कृति ने लिया था कुरकुरे कॉर्न का, ये मैं खा रही थी बैठ के, अच्छा लग रहा था, लेकिन कृति ने एक ही खाया था, उसको और नहीं खाना था, उसको अच्छा नहीं लगा फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, और वो है ये, एक मिनट मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, वो मैं ये कर रही हूँ, ये इसको भी बंद करना भूल गई मैं। ओके, तो मैं ना ये कर रही हूँ, ये नीचे जो मैट बिछा हुआ है ना उसमें रख के मैं कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा साउंड होता है नीचे भी। हो गया, तो मसाला तो कूट के वो तो रेडी हो गया है, और अभी मैं क्या कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं आलू को ना ऐसे उबालती हूँ कभी कभी, मैं नहीं तो कभी कभी मैं एकदम से छील के उबाल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी उबालती हूँ, ताकि क्या होता है ना उसके बाद छिलका ना अच्छे से निकल जाता है, और ठंडा करने के लिए देती हूँ। मैं उबला हुआ आलू को ना कभी भी पानी से धोती नहीं हूँ, नहीं तो पानी ना सूखता नहीं है, ऐसे ही थोड़ा सा निकाल के रख देती हूँ, तो आलू जो ना बहुत अच्छे से ड्राई ड्राई हो जाता है, अच्छा लगता है। आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ फिश की एक रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन मैंने आज राइस तो बनाया ही नहीं, फिश है फ्रिज में, तो इसीलिए मैंने सोचा था, और देखती हूँ।
और ये विंटर मुझे पसंद, एक्चुअली विंटर मुझे पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब कोल्ड हो जाता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि हमारी उस साइड में मतलब पहले ना क्या होता था, कोल्ड के वजह से ना पैर पूरा सूज जाता था बहुत ज़्यादा, दिसंबर के टाइम में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता था, अभी भी होता है, लेकिन वो कोल्ड ना 1 वीक के लिए ही रहता था। मतलब सन का तो कोई नामो निशान रहता ही नहीं है, पूरा फॉग रहता है दोपहर तक, आफ्टरनून तक, और वो वाला ठंड मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ठंड में ना कोई किसी का चेहरा नहीं देख पाता है। सर्दियों में हम लोग फिर भी मिलते जुलते हैं, लेकिन ठंड में सब अपने मतलब कंबल ओढ़ के बैठे रहते हैं। लेकिन हाँ, कोल्ड की सबसे अच्छी चीज मुझे लगता है, मॉर्निंग में तो सब बिजी रहते हैं, लेकिन शाम के टाइम ना एक हम लोग बंगाल में बोलते हैं कि आड्डा, मतलब जम के बैठ के ना बातें करना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम लोग तब बचपन में छोटे थे, तो मेरी जेठी माँ मतलब मेजो माँ के घर में वो लोग ना चूल्हे में खाना बनाते थे, हम लोग भी बनाते थे, लेकिन उनके घर में मेनली वो ये अड्डा जो था ना उनके घर में होता था। तो मुझे याद है मेरी दादी जब एक्सपायर हुई थी उस टाइम, तो सब हम लोग ना उनके घर जाते थे, विंटर का टाइम था दिसंबर में, तो हम लोग उनके घर में जाते थे और चूल्हे के साइड में ना बैठ के हम लोग बातें करते थे। उसमें ना कुछ एज जनरेशन वाइज कुछ नहीं था, मतलब मेरे मतलब जेठू जेठी माँ मतलब हम लोग मेजमा बोलते हैं, तो मेजमा हम लोग और भी जो काकी माँ मेरी मम्मी सब हम लोग भाई बहन सब भी मिलके, ऐसा नहीं कि एक एज ग्रुप का कोई बैठ के बातें करता है, ऐसा नहीं है। अभी इसका स्मेल ऐसा आ रहा है ना, बंगाली में आलू कबली बोल के एक रेसिपी होता है, मतलब वो ठेले में आपको मिलेगा आलू कबली, आलू काटा हम लोग बोलते थे बचपन में, उसके जैसा स्मेल है। मेरे मुंह से पानी आ रहा है, थोड़ा सा इमली का चटनी दे दो बस। We'll be right back.
अभी मेरा पराठा जो है वो बन गया है, किचन भी मैंने क्लीन किया है और बाहर का जो बर्तन था वो भी मैंने ला के रख दिया है, तो सारा काम मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। कृति आने से पहले मैं ये सब करके रखती हूँ। तो चलिए, पराठा तो मेरा बन गया है और आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के थ्रू आप लोग बताना मुझे कि कैसा लगा आज का व्लॉग और कैसा लगा आलू का पराठा, समतुल्सा आलू का पराठा। तो चलिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।